हेलो गाइस, आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप देख सकते हो, आप इधर से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी कोने में आप देख रहे रहोगे स्क्रीन की तरफ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ऐप शीट्स टाइप करेंगे एंड पहला लिंक आ जाएंगे आपको, आप उसको क्लिक कर देना है एंड आपको सो मैनी ऑफ पीपल आप देख सकते हो इधर से जैसे यूज़ करना है। जैसे ऐप शीट एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड नो कोडर ऐप डेवलपमेंट, जैसे ये बोला भी गया है ऑफिशियली नो कोड। आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो गाइस तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। एंड देन कहते हैं मैं एक्साइटेड हूँ ये क्या है क्या नहीं है, तो इसको क्लिक कर लेते हैं फर्स्ट लिंक को। एंड ये बताया गया है, देखो इधर डेमो तरीके से दिया गया है, आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन होता है तो इसके में आपको शीट्स में शो हो जाते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं। आप गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, इधर से गेट स्टार्टेड करेंगे तो इधर से आपको लॉगिन स्टेट आ जाएगा। आपको कौन सा भी प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल हो तो उस तरफ से अभी आप साइन इन कर सकते हो। इस तरफ से इंटरफेस शो हो जाएंगे एंड इधर से क्रिएट रिसेंट एंड शेयर विथ मी ऑनर्ड बाय मी एंड टेम्पलेट, ये आपको यानी सब फील्ड अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि डेटाबेस, चाहे आपको डेटाबेस एंड ऐप्स आपको इधर से इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड इधर से क्रिएट करते हैं, आपको ऐप क्रिएट करना है तो ऐप के लिए स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग डेटा एंड स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट, तो स्टार्ट एक टेम्पलेट करते हैं। आपको चूज़ कर लेना है कौन सा आपको टेम्पलेट चाहिए रहेगा, जैसे कि आपको इधर से मेनी ऑफ फील्ड ऑफ टेम्पलेट दिया गया है जैसे कि देख सकते हो आप गाइस। एंड इधर से टेम्पलेट लॉन्चर, रिटेलर, इंडस्ट्री, क्यूरी, हेल्थ लॉगिन, देखो इधर से फैक्ट्री इंस्ट्रक्शन एंड वर्क सेफ्टी, हेल्थ केयर कंडीशंस, आपको इधर से मेनी ऑफ मोर दिख रहा है। एंड जाते हैं एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डिलीवर ऑर्डर, तो इसके बारे में चूज़ करते हैं एंड क्रिएट अ कॉपी करते हैं। कॉपी पे आप क्रिएट करोगे गाइस आपका इंस्ट्रक्शन एंड आपका न्यू एप्लीकेशन रेडी हो जाएंगे, जिस लाइक आपका इस तरफ से इंटरफेस शो हो जाएंगे। एंड आपको देखो इधर से मेन्यू बार दिखेंगे, मेन्यू में होम, इन्फो, डेटा, यूएक्स। यूएक्स मतलब क्या होता है गाइस, यूज़र इंटरफेस, यूएक्स बिहेवियर, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एंड मैनेज, आपको इस तरफ से मेन्यू दिख जाएंगे। एंड इधर आपको इंटरफेस पोर्टेबल, आपको किस लाइन में आप दिखना चाहते हो पोर्टेबल एंड ट्रैप आप इससे दिखा सकते हो। एंड गाइस आपको दिख रहा रहेगा इधर से ऑर्डर, न्यू ऑर्डर कैसे आएंगे, न्यू ऑर्डर कैसे आपको डालना चाहते हो, न्यू ऑर्डर आप इधर से क्रिएट कर सकते हो, ईमेल, फ़ोन नंबर इधर से आप कर सकते हो। एंड इधर से लॉगिन करेंगे, इधर से आपको मेन्यू दिख जाएंगे लॉगिन का, एंड असिस्टेंट, अबाउट, फीडबैक, शेयर, ऐप गैलरी, एंड आप इधर से लॉग आउट कर सकते हो। इधर से आप लॉग इन करोगे देख सकते हो गाइस। एंड शिप इधर से आप देख सकते हो किधर से आपको किधर तक पहुंचाना है, इसमें मिल जाएंगे। एंड इधर आप सर्च कर सकते हो सर्च क्यूरी, एंड इधर से आप डिलीवर कर सकते हो किधर से आप कितना डिलीवर किए तो आपको दिख जाएगा। देखो गाइस आपको इधर से एक सेल्फी खींचना है, फिर सेल्फी खींच के आप इस पर पोस्ट कर सकते हो, तो मस्त ये डिलीवर का ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएंगे आपका बहुत अच्छी तरीके से। आप इसको कस्टमाइज जैसे एरर हैंडलिंग कर सकते हो। एंड इधर से ऑर्डर डिलीवर आप कर सकते हो, जैसे कि आप इसके नेम भी चेंज कर सकते हो। देन ऐप यूजेस बता सकते हो, ऐप परफॉर्मेंस एंड अर्ली वर्जन्स आप इधर से कर सकते हो। एडिटर डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, एडिटर डिस्क्रिप्शन है क्या, ये एडिटर प्रॉपर्टी इधर से आप चेंज कर सकते हो डिलीवर। एंड मैं ऑर्डर के नेम पे करना चाहता हूँ तो इस पर सेव करूँगा गाइस, इधर से देख सकते हो। एंड इधर से लॉगिन करूँगा एंड इधर सेव कर दूँगा, तो इधर से इसका नेम डिलीवर हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी गाइस। तो इधर से आपको दिखना है, फिर एडिटर प्रॉपर्टीज पे देखना है, फिर डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको इधर से दिख रहा है योर ऐप हैज़ वन वार्निंग दिख रहा है सिंस द ऐप इन मोवो, इधर से आपको रीड आउट कर लेना है। एंड इस पर अभी नहीं आते, फिर सिंस पे आ जाते हैं। देखो गाइस इधर से 3D स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि स्टेटस इज डिलीवर्ड, कस्टमर, स्टेटस इज द ऑर्डर, स्टेटस इज अप, मतलब आपको पैक करना। फिर इधर से आपको अच्छे तरीके से दिया गया है, देखो गाइस इस पर क्लिक करोगे ऑर्डर पे तो इधर से कस्टमर आईडी एंड डिटेल्स इधर से आपको भर देना है। एंड इधर से देखो स्टेटस आप देख सकते हो, देखो इधर से आप किधर से डिलीवर करोगे, आप देखो इधर से पूरा डिटेल दिया गया है, जैसे कि होम, लॉगिन एंड ऐप पिक आप इधर से कर सकते हो, जैसे कि आप मेन्यू देख सकते हो, इधर से आप कॉल कर सकते हो। एंड ईमेल, आप ईमेल पे जाओगे तो ईमेल का ये खुल जाएंगे,
इसको अभी ओपन नहीं करूंगा। एंड देन इधर से आएंगे डेटा में। डेटा में है क्या? डेटा में आप इधर से स्टोर करवा सकते हो। इधर से कैसे स्टोर करवा सकते हो? कौन से डेटा में? आप शीट्स में स्टोर करवा सकते हो। एंड कॉलम, स्लाइड एंड यूजर सेटिंग ऑप्शंस, ये सब आपको फील्ड मिल जाएंगे डेटा में। एंड यूएक्स में मिल जाएंगे। देखो यूएक्स में व्यूज कैसे दिखेंगे गाइस, ब्रांड एंड फॉर्मेट रूल ऑप्शंस, लोकलाइजेशंस आपको इस तरफ से मिल जाएंगे। एंड ब्रांड में चलते हैं। ब्रांड में आपको किस तरीके से इसमें थीम भी चॉइस कर लेना है। टू थीम है, एक डार्क है एक लाइट है। आप डार्क एंड लाइट चूज कर सकते हो। डार्क को चूज करना है तो इस तरफ से दिखेगा, आपको इधर से सेव कर लेना है। एंड इधर आएंगे प्राइवेसी एंड पॉलिसी में। इधर से आपको कौन सा कलर चूज करना है, प्राइमरी कलर आपको ये चूज करना है या ये। देखो गाइस इधर से रंग चेंज हो रहे हैं देखो। एंड ये कर लेते हैं। एंड इसमें से कौन सा भी आप कर सकते हो, जैसे कि होम मेन्यू। इधर से आप कौन सा भी एक कस्टमाइजेशन आप लोगो लगा सकते हो। इधर से आप एप्लीकेशन एंड गो ड्राइव पे भी आप कर सकते हो। अपलोड फोल्डर फ्रॉम उधर कर सकते हो। एंड इधर बैकग्राउंड इमेज पे जाएंगे। बैकग्राउंड पे क्या है, बैकग्राउंड इमेज पे आप इस पे आओगे। जैसे कि रिलोड करोगे गाइस, इधर देखो रिलोड किए, जैसे आपका इधर रिलोड होता है वो आपका सिंक ओपन हो जाएंगे। बहुत ही इजीली तरीके से दिया गया है, जैसे कि इसमें रिलोड हो गया गाइस, ये देखो इस तरफ से आ जाएगा। तो इसमें आ जाएंगे। और इधर में होल्डर, इसमें क्या है, इसमें आपको देखो गाइस, इसमें स्टाइल हेडर एंड फुटर आपको दिया गया है। देखो हेडर में कैसा है एंड फुटर में देखो सेम तरीके से दिया गया है। देखो हेडर एंड फुटर इधर देख लेते हैं। हेडर ये थोड़ा कलर कैसा दिखेगा, कस्टमाइज है, इसको देख लेते हैं। हाँ थोड़ा ये, हाँ इस तरफ कैसे दिया गया है। देखो गाइस इस तरफ से बताया गया है, जैसे आप क्लिक करोगे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। और आपको इस तरह से सेव कर लेना है गाइस। कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हो, या आप इस पे बॉक्स पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हो। बॉक्स नहीं बोलेंगे, बटन बोलेंगे। लाइक इस तरह से फॉर्मेट पे भी आप जा सकते हो। फॉर्मेट पे भी क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पे क्या आ जाता है, आपको इसमें डेटा स्ट्रक्चर ये सब करना रहता है। एंड आपको अलग तरीके से फॉर्मेट रूल्स ये सब बताया गया है, तो आप कर सकते हो। एंड इस तरह से डिलीवर पे भी आप कर सकते हो, कौन सा किस पे क्या करना है। एंड फोटो एंड कस्टमाइज कर लेना गाइस। एंड इस पे आ जाएंगे। देखो गाइस इस पे आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, जैसे कि ये लाइक ऐसा फॉन्ट चाहिए या ये चाहिए, आपको इधर से बिजनेसमैन या ये सब करना चाहिए, तो आप इधर से करवा सकते हो। तो इसको मैं सेव नहीं करूँगा एंड जेड करूँगा। ऑप्शन में क्या है गाइस, इधर से आप देख लो एंड रीडायरेक्ट कर लो पूरा कस्टमाइजेशन। फिर इस पे नहीं आएंगे गाइस, बिहेवियर पे आएंगे। बिहेवियर है क्या एंड न्यू एक्शन है क्या, इस पे आप न्यू एक्शन ऐड कर सकते हो। इधर से देखो न्यू एक्शन ऐड कर लिए। इधर से आप डिलीवर एंड कस्टमाइज एंड कॉपी डिलीट ये कर सकते हो, जैसे कि शॉपिंग डिलीवर नेम इधर से आप डिलीट कर सकते हो। देखो आपको फोटो इधर से क्लिक करना है, इधर से स्लिप करना है एंड डिलीवर करना है। इधर से आपको फोटो क्लिक करना है, इधर से डाल देना है, जैसे कि आपका कैमरा फोन रहेगा उधर से आपको क्लिक करके डिलीवर करना है। एंड इधर जाएंगे ऑटोमेशन में। एंड ऑटोमेशन में क्या, आपको 3 या 4 टाइप्स का दिया गया है, जैसे कि बोथ इवेंट प्रोसेस एंड टास्क। टास्क पे आते हैं तो आपको इस तरह से ऑर्डर में आ जाएंगे, जैसे कि ऑर्डर क्रिएटेड, इधर से क्लिक करेंगे न्यू प्रोसेस। एंड इधर से आ जाएंगे, इधर से आपको ऑर्डर का फ्लो डेट मिल जाएंगे एंड वेट लिस्ट मिल जाएगा, आपको रन अ टास्क मिल जाएगा। एंड रन अ टास्क पे आपको देखो इस तरह से बेल आइकन ये सब नज़र में आ जाएंगे। ये देखो आपका इधर से देखना चाहते हो आपका एप्लीकेशन कैसा शो हो रहा है लाइव, तो आपको देखो इधर से लाइव ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखो गाइस आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, सॉरी डेस्कटॉप नहीं वेब एप्लीकेशन पे। आपका असिस्टेंट, ये देखो असिस्टेंट है, आप इधर से करवा सकते हो, जैसे कि आप लोगो एंड बैक ये सब करवा सकते हो। और इधर से अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे भी आपका कुछ दिया गया नहीं है गाइस, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ओके क्लिक करेंगे। फिर इस पे आएंगे फीडबैक पे आप फीडबैक दे सकते हो, डन कर सकते हो एंड डिलीवर कर सकते हो। एंड देन शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव को, तो उस पे नहीं जाएंगे। एंड ऐप गैलरी में जाएंगे तो आपका ऐप गैलरी ऐसा कुछ रहेगा। एंड आप अभी तक कुछ अपने आइटम लिस्ट नहीं किया है तो आपका कुछ नहीं आ रहा है, तो बेसिकली आपको इधर से कैंसिल करना है। एंड इधर आएंगे, एरर आपको इधर से शो हो जाएंगे क्या है क्या नहीं है। इधर आ जाएंगे प्रोसेस में,
यूटिनियन टास्क दिखाया गया है, फिर टास्क में आएंगे। इधर से टास्क में आपका लिंक ऑर्डर एंड शो अनलिंक आ जाएगा, देखो इधर से शो अनलिंक, इस पर क्लिक कर लेना है। बेल आइकन नोटिफिकेशन किधर आपको क्लिक करना है, न्यू फाइल ऑर्डर्स HTTP में आपको कौन से फाइल में ये कर देना है, कंटेंट टाइप आपको कंटेंट टाइप जेसन में चाहिए तो जेसन में मिल जाएंगे, जो आपको PDF में चाहिए नॉन टेक्निकल फील्ड है गाइस तो उसको PDF में डाउनलोड एंड विजुलाइज करना बहुत ही आसान रहेगा, जो टेक्निकल फील्ड से आ रहे रहेंगे एंड उसको जेसन HTML XML SML ये सब आता रहेगा। आप नॉन टेक्निकल हो तो गाइस CSV आपको यूज़ करना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत फेमिलियर है। इधर आएंगे फिर उसके बाद सिक्रेटरी में आएंगे, सिक्रेटरी में है क्या, इधर से आपको देखना है कौन से प्रोवाइडर से आपको ये ले लेना है। देखो इधर प्रोवाइड क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशंस आपको एप्पल ड्रॉपबॉक्स या बॉक्स सफा इधर से आप यूज़ कर सकते हो। तो इधर से आएंगे अभी सिक्रेटरी फिल्टर, सिक्रेटरी फिल्टर में आप क्या कर सकते हो, इधर से आप इधर से कस्टमाइज को भी कर सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो। डोमेन ऑथेंटिकेशन, डोमेन आपका कौन सा डोमेन आप लेना चाहते हो गाइस, आपका GoDaddy है, कौन सा भी एनी प्लेटफॉर्म पे हो, कौन सा भी आपको प्लेटफॉर्म है डोमेन नेम का, जैसे कि domain.google ये सब का भी प्लेटफॉर्म आप ले सकते हो। इधर से ऑथेंटिकेशन एंड रिक्वायर्ड, इधर से डोमेन आप डिलीवर कर सकते हो, इधर से डोमेन आपका ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले हो जाएगा, इधर से बहुत अच्छी तरीके से ये बताया गया है। इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड आउट एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड मैनेज पे चल जाते हैं गाइस, मैनेज पे है क्या, इसमें मैनेज पे आपको 5 या 6 मेन्यू ओपन हो जाएंगे, जैसे कि ऑथ वर्जन इंटीग्रेशन डिप्लॉय एंड इधर आ जाएंगे मॉनिटर, मॉनिटर आपको किस तरफ के मिल जाएगा, देखो मॉनिटर आपको लॉन्च हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन किस तरफ से बिहेव कर रहा है, कौन एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है एंड कौन नहीं, तो आपको पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएंगे, रन्स कौन है रहा है कौन नहीं। इधर से वो देखो बहुत इवेंट प्रोसेस प्रोसेस स्टेट एंड डिटेल एंड डॉक्यूमेंटेशन आपको इधर से शो हो जाएंगे। इधर से शो होने के बाद आपको इधर से मॉनिटर कर सकते हो इस एप्लीकेशन को एंड ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन आप इधर से डाल सकते हो, टाइटल बॉडी एंड इधर से लिंक ये सब डाल सकते हो गाइस। और इधर आओगे आप गाइस, इधर से आना iOS पे भी आओ जाओगे, सॉरी इधर से iOS पे जाओगे तो इधर से देखो टाइम एंड एनेबल करोगे तो इधर से क्रिएट एप्लीकेशन की एंड शो योर की इधर से शो हो जाएगा, देखो ये गाइस इधर शो हो गया, तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूँगा अभी, अनेबल नहीं करूँगा, डिसेबल कर दूँगा। एंड इधर से आप देख लेना क्या है, ये क्लाउड सर्विस योर ऐप के बारे में बताया गया है और इधर इंपोर्ट भी कर सकते हो बेटा वर्जन को, इधर से देख लेना गाइस, इधर नॉट डिस्प्लेड इधर से देख, फिर आपका एप्लीकेशन इस तरफ से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो इस तरफ से एरर नॉट आपने डिस्प्ले किया तो आपका एरर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप कर सकते हो मॉनिटर एंड रन, आप फिर से ये कर सकते हो। ओके गाइस, इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए रहेगा गाइस आपको शीट्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो,